कि टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 1/7/8 आवर्स। द टैप विद लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस। यानी कि अगर स्मॉलर डायमीटर का अगर टैप अगर एक घंटे फिलअप करने में टाइम लगाता है तो लॉन्गर डायमीटर x-2 लाएगा ऑब्वियसली। तो एक घंटे में दोनों का निकाल लेंगे, फिर दोनों का निकाल करके ऐड कर देंगे, ठीक है, 1 आवर कंपेयर करके, तो वी विल गेट आर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द टैप विद स्मॉलर डायमीटर, टैप विद स्मॉलर डायमीटर अलोन फिल द टैंक इन एक्सास में। देन द टैप विद longer diameter will fill the tank in kya x-2 hours। ठीक है ना, x-2 hours में। अब आप देखो, अब दोनों टैप जो है एक घंटे में कितना फिल करेंगे, ठीक है ना। यानी कि द पार्ट ऑफ द टैंक, लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ईच ऑफ द टैप सेपरेटली इन 1 आवर विल बी क्या होगा। आप लिख सकते हो आराम से कि स्मॉलर टैप का जो होगा दैट विल बी 1/x होगा, और लार्जर टैप का जो होगा वो क्या होगा 1/x-2 होगा। यहां समझे कि अगर मान लो कि 5 घंटे में अगर आप एक काम करते हो तो 1 आवर में क्या करोगे 1/5 करोगे। ऑब्वियसली यही यूनिटरी मेथड का रूल हम यहां भी लगा रहे हैं। तो एक घंटे में इसका, एक घंटे में ना, अब दोनों मिला करके टैंक को एक घंटे में जो फिल कर उसका टाइम दे रखा है, यानी कि 1/x + 1/x-2 इक्वल्स टू यहां पर 8/13 होगा। 8/13 क्यों होगा बताओ, देखो ये 8 हमारे पास यहां पर क्या है 8/15 है ना, 8 और 7 15/8 है ना, 15/8 तो 15/8 तो मैंने कि 8/15 होगा, यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा 8/15 होगा। 8/15 क्यों होगा, क्योंकि ये जो टाइम है 15/8 आज में, देखो तो 15/8 आज में अगर एक पोर्शन फिल हो रहा तो 1 आवर में कितना होगा, तो 1/15/8 करोगे तो 8 ऊपर चला जाएगा, 15/15 नीचे आ जाएगा, आपके पास से इक्वेशन बनेगा। अब बहुत सिंपल, x-2 ले लो, x-2 और +x इक्वल्स टू 8/15, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा 2x-2/x² - 2x इक्वल्स टू 8/15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास से आ गया टोटल, अगर हम इसको 15/4 आ गया, 15/8 8/15 यहां पर x-2 और +x आ गया 8/15 और 2x-2/x² - 2x 8/15। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 8 ब्रैकेट से x² - 2x इक्वल्स टू 15 अंडर ब्रैकेट 2x एंड -2, तो आपके पास हो जाएगा 8x² - 16x और 30x और -30, तो यहां आएगा आपके पास 8x² - 46x और +30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप 2 कॉमन ले लो तो यहां पर आएगा 4x² + 23x, ठीक है, और ए +15 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब आपके पास इक्वेशन जो आ गया 4x² - 23x एंड +15 इक्वल्स टू 0 आ गया। अब इसके अगर मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो तो
15 फोर जा 60 एंड 20 एंड 3, चलो तो 4x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x एंड प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और ये आ गया 4, कॉमन ले लिया हमने 4x, तो x माइनस 5 और माइनस 3, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ गया। अच्छा तो ये 4x माइनस 3 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ गया, यानी कि एक तो x 3/4 आ रहेगा और x आपके पास 5 आएगा, तो दो आंसर हमारे पास निकल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप x को 3/4 लेते हो, चलो आप मान लो कि x को 3/4 लेते हो, तो लॉन्गर जो टैप है ना, आप चेक करो x माइनस टू आर में कर रहा है, तो जब इस केस में जब हम x माइनस 2 करेंगे, तो यानी कि 3/4 माइनस 2 करेंगे ना, तो 3 - 8/4, तो ए -5/4 आज नेगेटिव आ जाएगा, तो इस पार्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब x आपके पास 5 आ गया, तो अब x माइनस 2 करोगे तो 5 - 2 करोगे तो 3 आज में होगा, तो एक 3 घंटे और एक 5 घंटे में टैप जो है वो टैंक को फिलअप करेंगे, ठीक है।